मूवी कैसी लगी? अच्छी थी। रो दिया भाई, दी भाई रो दिया यार। अच्छा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। पहले मेरी वीडियोस देख के सरकार ने काम करना तो स्टार्ट किया, यही समझ लो, यही समझ लो है। ना परेशान करो यार, सुबह सुबह उठते यार एकदम आते मजा आते, उसको आँख तो खोलने दो। हमारे यहाँ के बच्चे नींद में भी होश में रहते हैं, दाल चावल नहीं खाते हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो गए एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मेरा भाई आ रहा है, अनमोल ब्रो, भाई इसका ही भाई, मेरा ही भाई, और तो उसको लेने जा रहे हैं। सुबह के बज गए हैं 9:30 हो गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं उसको लेने। स्टेशन में काफ़ी लेट हो गए हम लोग, और वो आ गई उसकी ट्रेन 10-15 मिनट में। हम लोग यहीं पर हैं और यहाँ से टाइम लगता है आधा घंटे का, है ना। तो हम लोग काफ़ी लेट हैं, तो सनी भैया तैयार है, तो हम लोग जा रहे हैं गाड़ी से, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं तब आपको दिखाते हैं क्या है, ठीक है। तो गाइस, फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, और चलो ये बात है, जब भी हम लोग स्टेशन पहुंचते हैं सनी भैया मतलब आया नहीं रहता है कोई, है ना दीप, कोई आया नहीं। जब दीप को लेने गए थे तो दीप नहीं आया था, तब भी हम लोग उससे पहले पहुंचे। आज अनमोल भैया को लेने आया है, तो अनमोल भैया भी अब पहुँचा नहीं है, लेकिन हम लोग पहले पहुँच गए हमेशा की तरह। हम लोग फास्टेस्ट हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, हम जानते हैं लिफ्ट वो एलिवेटर तो लगे नहीं होंगे, जानते हैं यहाँ पर यार पंजाब में एलिवेटर नहीं लगे रहते हैं, तो क्या ही करके उसकी बात करनी। तो अभी हम चलते हैं और सीरियस चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर, अभी हम लोगों ने देखा कि ये चल रहा है एलिवेटर, चल रहा है ये। चलो फाइनली मेरी वीडियोज़ देख के सरकार ने काम करना तो स्टार्ट किया, यही समझ लो, यही समझ लो है। भाई सी एम आए थे, भगवत मान आए थे, तो भाई हम ही आए थे, उसके बाद फिर वो आ गए, फिर उसके बाद हम आए, तो भाई मेरी खातिरदारी में कोई कमी थोड़ी रहनी चाहिए, इसलिए थोड़ा अच्छे स्वागत किया गया। तो भाई एलिवेटर लग गए, देख लो फाइनली काम हो रहा है, जहाँ हम जाते काम होता है, इसलिए हमें वोट दें, ठीक है, हमें अगली पार्टी में जिताएं। बाकी हम चल रहे हैं अंदर, स्टेशन पहुँच गए अंदर, लेकिन ये भी चलने लगा यार, ये देख लो देख लो, देख रहे हो खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहती हमारी। ये देखो आ गया है, आंटी जी के पीछे है, और रावी भी साथ में आए हुए हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं थी, तो हम लोग नीचे नहीं गए थे, तो इसीलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ, बगल में पुलिस भी है इसीलिए। तो प्लेटफॉर्म टिकट नहीं थी, तो इसलिए हम लोग नीचे नहीं गए, हम लोग ऊपर ही थे, इसलिए उन लोग को ऊपर हम लोगों ने बुला लिया था। तो अभी हम लोग चलते हैं, पहुँच मिल गए, अब हम लोग चलते हैं घर। तो गाइस, अभी हम लोग आए थे थोड़ा ढोकला लेने और थोड़ा मीठा लेने, थोड़ा आए ना सब लोग, तो यार थोड़ा मीठा तो बनता ही यार, आए तो खुशी का मौका है, तो इसीलिए हम लोगों ने मीठा ले लिया है। बाकी अभी हम लोग चलते हैं घर, घर पहुँच ही गए, मॉल टाउन के बगल ही हम लोगों ने मीठा लिया है, बाकी हम लोग चलते हैं घर। वीडियो में तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, सुराद अच्छे से मिलना पड़ेगा, मार कर बाद में। तो गाइस, अभी हम लोग लड्डू तो ले आए थे, पर हम लोग इतना खुश हो गए थे कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक ही नहीं लाए, तो कोल्ड ड्रिंक हम लोग लाने जा रहे हैं। लिए थम्स अप अपने मनपसंद के लिए, बाकी उन लोगों का मुझे कोई मतलब नहीं है। बाकी सनी भाई का भी अचानक से कॉल आया, मैं वीडियो बना रहा था, बीच में कॉल आ गया कि नमन थम्स अप लाएं, थम्स अप भी हम लोग लाए, उनके चलो थम्स अप ले लिए भैया, परेशान मत हो, थम्स अप ये भाई फेवरेट है ना, और सब तो कोई फेवरेट है, थम्स अप फेवरेट मुझे लगती है। नीता आंटी रोटी बना रही है, और थोड़ा जैसे मासी की थोड़ी तबीयत नहीं सही ना, पैर थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, और भाभी का भी पैर का फ्रैक्चर हो गया था, मैंने वीडियो में नहीं डाला उस समय क्या हुआ था, मैं बताया तो कोई दिक्कत तो नहीं उस समय, तो कोई दिक्कत, अब तो सही हो गई, अब तो हंस खेल रही है भाभी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय जब अंकल जी का बर्थडे था ना, तो उसी टाइम इनके पैर में चोट आ गई थी, तो अंकल जी का बर्थडे तो उन्होंने सेलिब्रेट किया इस घटना को दूर रखते हुए, और मैंने वीडियो में नहीं लाया मैं, और आप ला सकते हैं। तो ये पैर देख लो, दिखा दो अभी, तो ये पैर में चोट आ गया था, तो अब ये आंटी रोटी बना रही है उनकी जगह, मासी के तो पैर में दर्द है, इनके पैर में भी हो गया, अब कोई लेडीज बची नहीं है, बाकी शीनू बची है, तो शीनू तो अभी शादी हुई नहीं है, शीनू ये आ गया है लेडीज, अरे आगे का तो इंतजार था, अरे रोटी बनाओ भैया, रोटी बनाओ, अरे तो शीनू तो अभी मतलब गई बाहर, चंडीगढ़ गई काम से, पापा अंकल जी के साथ, अपने मनी भैया आ गए हैं, वही उनका रोटी कौन बनाएगा,
रोटी कौन बनाएगा भाई? रोटी अंकल के लिए नई जनानी लेके आओ। आपने वो वाली जनानी आपके मतलब पैर से मतलब उसका पैर नहीं चल रहा है। आप ही ले, आप जुलाते हो चली जाती है। आप ही एक कोई आइटम ले आओ। हमारे यहाँ हर महीने एक नया फोन आता है तो जनानी भी आ सकती है। एक्टिवा ऐसे लाया मैं। पार्टी हाँ पार्टी नहीं थी एक्टिवा की, सिक्स जिला है। ये ना परेशान करो यार, सुबह सुबह उठते ही यार एकदम आते मजा आया। उसको आग तो खोलने दो। मेहमान हमारे यहाँ के बच्चे नींद में भी होश में रहते हैं, दाल चावल नहीं खाते हैं। हाँ तभी पंजाब में ज्यादा नशेड़ी लोग रहते हैं। अमीर लोग हैं तो वो सोचते हैं क्या दाल चावल में पैसा लगा, थोड़ा बढ़िया नशा कर लो। अरे गए 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 गंदी 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 हो रहमत, गंदी हो रहमत, अच्छी हो रहमत, अच्छी हो बोलो। गंदी हो तुम, गंदी हो, गंदी अच्छी हो। तो गाइस अभी मैं तैयार हो गया हूँ, दीप अंदर तैयार हो रहा है और भैया रावी भैया और क्या नाम है अनमोल भैया तैयार हो रहे हैं। हम लोग बाहर जा रहे हैं घूमने टहलने आए हैं तो थोड़ा घुमा फिरा दें। और बाकी अभी इस समय हम जा रहे हैं रहमत का मतलब सामान लेने, थोड़ा क्या वो 15 अगस्त उसको बांधवाना था, क्या नाम है उसको, थोड़ा वो तैयार होना था, थोड़ा 15 अगस्त का थोड़ा तैयार होना था। तो आज लेट तो हो गया काफ़ी, उसने कहा कि उसका मन है तो भाभी ने कहा कि सामान वामान ले आओ, तो सामान मैं लेने जा रहा हूँ। थोड़ा उसका रबड़ बैंड हो गया 15 अगस्त वाला, या बैज हो गया, या झंडा हो गया, फ्लैग्स हो गए, या शैशे हो गया, वो सब मैं लाऊंगा। उसको तैयार करके उसकी वीडियो बनानी है तो उसका भाभी का बहुत मन है, तो मैं सोच रहा हूँ चलो ले आता हूँ। पहले मैं सामान ले आऊँ, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे घूमने, ठीक है। ये देखो रहमत तैयार हो रही है, रहमत की फ्लैग व्लैग रहमत तैयार हो रही है। बाबू इसकी रील भी डाल दी ना इसीलिए। कैप इसकी वही पहना दो ना जिसके पास है। हेयर बैंड हाँ वही हेयर बैंड पड़ा दो। ओ वाह निन्नी हक, निन्नी हक लपेट दो इसको। रहमत नो फ्लैग है, रहमत फ्लैग, इट्स फ्लैग। रहमत क्या है? फ्लैग बोलो, फ्लैग फ्लैग। तैयार हो गई, कितनी प्यारी लग रही, कितनी प्यारी लग रही। ऐसे कर दो रहमत, ऐसे कर दो, इधर इधर कैमरे में करो, कैमरे में करो, कैमरे करो, बोलो जय हिंद। अम्मा जी बंधवा के पग एकदम मीठी मीठी देख लो। ये दीप भी तैयार हो गया और मैं भी तैयार हो गया हूँ, ठीक है। ये देखो आंटी जी आई है, पता नहीं था कि इसकी भी तैयार है। हम लोग रील बनाने जा रहे थोड़ी सी। तो क्या देखो रहमत की हालत क्या हो गई बेचारी, सब उतार उतार के सब फेंक मतलब फेंके नहीं मतलब रख दिए, और बैज लगाई हुई है, सब उतार उतार के रख दिए संभाल के। बाकी हम लोग पास स्कूटी एक ही है और जने हैं चार। तो अभी हम लोग मनीवीर के शॉप मतलब शॉप पे बता रहे हैं, मनीवीर के घर पे जा रहे हैं और उनसे बाइक या स्कूटी में से कुछ भी ले आते हैं। तब दो जने इसमें बैठ जाएंगे, दो जने उसमें बैठ जाएंगे। तो दीप के साथ हम लोग जा रहे हैं लेने, ठीक है चलो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये भी सनी भाई की आज सीख गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस अभी हम लोग बाइक या स्कूटी में से कुछ लेने गए थे तो उन्होंने कहा था कि अभी तो अभी खाली नहीं, थोड़ा उनको काम है, जरूरी काम है, तो वो निपटा ले, 4 बजे तक वो खाली हो जाएंगे। और 3:30 बज रहा है तो हम लोग सोचे कि ठीक है आधा घंटा रुक जाते हैं तब चले जाएंगे, तब मांग लेंगे। तो वो भी मान गए, हम भी मान गए, तो अभी आधे घंटे बाद ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं वापस घर, मासी घर, रहमत को लेके, और कुछ खाते पीते, भूख काफ़ी लग रही, थोड़ा सा कुछ खा लें उसके बाद फिर चल देंगे। 10-15 मिनट 15-20 मिनट तो हम लोग को वहीं वहाँ भी लग जाएगा ना दीप, आराम से 15-20 मिनट तो वहाँ भी लगेगा। मासी घर कुछ खाए पियेंगे तब तक मिल जाएगी स्कूटी, ठीक है। पिया जाए थोड़ी तंदुरुस्ती लाया जाए, उसके बाद चलते हैं हम लोग। तो फाइनली गाइस हम लोग को बाइक मिल गई है, तो बाइक ये है, दीप बैठा हुआ है, बाकी अनमोल भैया राय भैया जा रहे हैं, चल रहे हैं साथ में। हम लोग सो रहे हैं MBD मॉल चले, तो MBD मॉल जा रहे हैं और कभी गए नहीं हम, तो सो रहे हैं MBD मॉल चले, वहाँ पर मूवी देखें, देख लेते कौन सी मूवी अगर अच्छी लगी होगी तो वो देखेंगे। रक्षाबंधन और लास्ट चड्डा तो नहीं देखेंगे भाई, 2 बार देख चुके हैं, एक बार तो आप एक बार तो आपके सामने हमने बताया था, एक बार उसी दिन रात में सनी भैया हम लोग को ले गए, हम लोग देखे रात में, है कि नहीं। तो रात में सनी भैया ले गए तो रात में देखे 12-1 बजे तक, 2-3 बजे तक हम लोग देखे मूवी वहाँ पर, तो वो तो नहीं देखेंगे। बाकी देखते हैं रक्षाबंधन अगर लगी होगी अच्छा, तो रक्षाबंधन का प्लान है, रक्षाबंधन देखने जाएंगे। बाकी अभी हम लोग चलते हैं, काफ़ी लेट हो रहा है और लेट्स गो। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं MBD मॉल और पार्किंग में है,
और इसका टिकट है 30 रुपये पर पर्सन टू व्हीलर का। तो इधर है, हम लोग दो लेके आए, 60 रुपये होगा। और बाकी यहाँ पर घंटे के हिसाब से चार्ज होता है ना, टाइमिंग तो नोट हुई है स्लिप पे। बाकी अब देखो उसमें तो था पवेलियन में, अब इसमें देखो पवेलियन में होता ना कि एक घंटा ज़्यादा एक्स्ट्रा, 4 घंटे का टाइम रहता है और एक घंटा एक्स्ट्रा करोगे तो 10 रुपये और बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ है। लेकिन अभी का नहीं पता, इस मॉल का नहीं पता है, देखते हैं जब पैसा देना होगा तब बात करेंगे आपसे। बाकी अभी चलते हम लोग ऊपर, एंट्री वहाँ से है, लिफ्ट उधर है, आपको दिख रहा हो तो मैं आपको दिखा दूँ करके वहाँ पर है। तो फाइनली हम लोगों ने एंट्री कर लिए। बहुत सुने थे कि MBT मॉल ने पूरा जगह चकाया हुआ है, ऐसा कुछ तो नहीं है यार। सेकेंडरी फ्लोर, 30 फ्लोर है इसमें मैक्सिमम, इससे अच्छा तो पवेलियन मॉल है, बड़ा बड़े पवेलियन तो बहुत बड़ा है। ये तो सेकेंडरी फ्लोर में ही साला PVR हम लोग आ गए, है कि नहीं? उसमें तो फिफ्थ फ्लोर में था, फ्लोर है और ऊपर जाते हो फिफ्थ फ्लोर में था मूवीज वाला, यहाँ सेकंड फ्लोर में ही मूवीज है, तो पहले बार मैं देखा हूँ। बाकी अभी हम चलते हैं अंदर और टिकट देखते हैं कितने की क्या है, बाकी टिकट बुक कर लेते हैं, पहले टिकट बुक कर लेते हैं। और अभी हमारे पास टाइम है, अभी कितना बज रहा है? शो है तो टिकट ले लेते पहले, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत घूम लेंगे, उसके बाद फिर चले आएंगे ऊपर, ठीक है। सो गाइस, हम लोगों ने टिकट ले ली है, 5:45 का शो है रक्षाबंधन का, 4 लोग का। और रक्षाबंधन तो मुझे देखनी ही थी, मैंने आपको बताया था वीडियो में कि मुझे देखने मन नहीं है, पर ये लोग को साथ में आए हम लोग कुछ कोई ना कोई मूवी देख लें। पर लाल सिंह चड्ढा तो मैं देख चुका हूँ 2 बार, तो मैं सोचा चलो रक्षाबंधन देख लेते हैं, चलो एक बार ये भी एक बार फिर ट्राई कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? तो देख लेते हैं। 170 रुपये की टिकट है, 4 लोग है, 680 रुपये लगा। बाकी अभी तो 5 बज रहा है, 45 मिनट बाकी है, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं पहले कुछ खा लें, पहले पेट पूजा हो जाए, उसके बाद देखें भाई। हाँ, पहले देखने लेंगे ना, बीच में इंटरवल साले खाने लगते हैं ना, ये लोग पॉपकॉर्न खाने लगते हैं, पॉपकॉर्न मुझे पसंद नहीं लेना यार, पॉपकॉर्न से पेट भरता नहीं साला, पैसा इतना दुगना दुगना लेने लगते हैं, बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं, इसलिए मन नहीं करता है और भूख भी लगती है भाई, तो क्या करें, इससे अच्छा कि हम लोग पहले खा लेते हैं, उसके बाद आराम से देखेंगे, बढ़िया, कोई दिक्कत, भूख भी नहीं लगेगी, है ना? तो चलते हैं फिर, पहले कुछ खा लेते हैं। सो गाइस, मेरा ऑर्डर आ गया है, मैंने ऑर्डर किया था ये कोल्ड ड्रिंक और ये सब्वे का मैंने ऑर्डर किया था, साथ में ये चिप्स है, तो ये मैंने ऑर्डर किया था, मुझे सब्वे का खाना था, मैंने पनीर टिक्का और कोल्ड ड्रिंक और ये साथ में चिप्स था, तो ये मुझे पड़ा 300 का। बाकी ये लोग, आपने किया क्या ऑर्डर किया है? मंचूरियन नूडल्स और स्प्रिंग रोल मैंने ऑर्डर किया, ये अलग अलग शॉप से उन्होंने ऑर्डर किया, मुझे ये खाना था तो मैं ये करूँ। सब्वे कहाँ है? बढ़िया कोने को, कितनी बढ़िया, कितने का तो बहुत बड़ा है, कितने का पड़ा? 300 300 तुम कल्ले खा रहे हो तो भाई फर्क तो पड़ेगा ही। उधर का बांधा है, उधर का बांधा है तो इधर खुल गया, इधर का बांधता है तो उधर खुल जाता है, इसका हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। 5:45 का शो है, 5:40 हो गए और तो जा रहे हैं मूवी देखने बस। दीप भैया लेट गए, देखो ये दीप भैया इधर लेट गए, दीप भैया बंद करके ओपन करो, बंद करके ओपन करो। ये हम लोग को आगे सीट थी, मतलब कह रहा मैं सीट तो पूरी खाली है तो हम लोग पीछे बैठ गए। ऑन करो पीछे वाला भी ऑन कर देना, ये ये आराम से एक क्लास बिजनेस सस्ते में महंगे का मजा। हम लोगों ने अभी ऐड देखा था, उसमें थोड़ा दिखा रहा था ये वाला, हम कहे पीछे खाली साला पीछे बैठ जाते हैं, बड़े मजा आ रहा है। भैया ओए पीछे आ जा, ये क्या कर रहे हो गाइस? नाद तैरने आराम करे सब लौंडे का चप्पल। ये देखो ये क्या हो रहा है? बंद कर आ गए अभी अरमोल सिंह आ गए हैं और लेट गए हैं टांग फैला के। भैया भी आ गए, सब लोग आ गए, अब भी आ गए, हम चारों आ गए हैं।
मूवी कैसी लगी वैसे, आप ये एक्सपीरियंस बता दो यार। मूवी कैसी लगी? अच्छी थी। रो दिया भाई, दी भाई रो दिया यार। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं यार, मूवी तो अच्छी थी वैसे, ठीक थी मूवी में, ठीक था, ठीक थी, अब इतना भी अच्छी नहीं थी, पर कोई बात नहीं, किसी किसी को ज्यादा अच्छी लग जाती है ना दी भाई, सबके नहीं पसंद है, दीप को अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी, ठीक लगी, अच्छी बात है, मैसेज था अच्छा था। मूवी तो खत्म हो गई है तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दीप रोने लग गया था, मैं कहा वीडियो बनाऊँ यार बेचारा रो रहा है, मैं आपको रियल मैं आपको रियल एग्जांपल दूं कि हम लोग रोते हैं। रक्षाबंधन बाकी चलते हैं भाई, रोने लग गया, हमें हंसी आ गई है। हम पहले तो हम सिंपल फ्लैश लाइट ऑन किए थे कि हमके देखे रो रहा कि नहीं रोने लगा, हमके चलो वीडियो बना लेते यार, रियल एग्जांपल देंगे, हम लोग रोते भी हैं। मैं तो लास्ट चट्टे में दो बार मैं रोया था, पर आपको लगता है मैं रो सकता हूँ? हाँ रो सकता हूँ, पर इतना नहीं। हो गया भाई, तो आतंक मचा दिया, रक्षाबंधन चलो कोई बात नहीं यार। मूवी कैसी लगी कुछ बताओ? अरे मतलब ऐसे बताऊँ जैसे नॉर्मली होता है, अच्छा तेज बोलो, क्या बोलो? अच्छी थी, अच्छी थी, मतलब क्या क्या इमोशनल फन थ्रिलर सब था, इमोशनल थी। 5 out of 5 के लायक तो नहीं, इतना मैं नहीं कहूँगा, 5 out of 4 ले लो, ठीक है। बाकी हम लोग अब आ गए बाहर, और रात कितने बज गए हैं? रात के 8 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, 7:30 बजने कुल लगे, अब हम लोग जा रहे हैं घर। आंसू से आंसू देख लो, कितना आंसू निकल रहे हैं देख लो, दीप के भाई के आंसू कितने निकल रहे हैं देख लो, ये पोहना बढ़ जा रहा है भाई, चंटा सिंह देखना होगी। तो गाइस हम लोग आ गए हैं बेसमेंट में, और हमने मूवी देख ली है, अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, तो मिलते हैं फिर घर पे, ठीक है। तो गाइस घर जाने से पहले हम लोग बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे आए हैं, अनमोल भी आया नहीं था काफी टाइम से, और दीप भी जब से आया हुआ तब से बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे एक बार भी नहीं आया है ना, मतलब 10 दिन हो गए हैं, 7-8 10 दिन हो गए, 10 दिन से ज़्यादा ही हो गया, लेकिन अभी तक एक बार भी बाबा जी से गुजारा नहीं आया, तो हम लोग सोचे कि चलो यहाँ रुकते हो जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा दर्शन किए, फिर अब हम लोग जा रहे हैं घर, और देखते हैं पता नहीं अनु भैया कुछ बात कर रहा है सनी भैया से, अगर कुछ खाने पीने का प्लान, वैसे पेट तो भरा हुआ है, कुछ देखते हैं पता नहीं कौन सी बात कर रहा है कुछ खाने का, अगर जाना हो चलेंगे तो बाकी हम लोग जा रहे हैं अभी घर, है ना। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं बटाटा पूरी एंड भेल हाउस पे आए हैं, ये देख लो, और पहले ये चौक के पास लगाते थे ना, तो हम लोग चौक से ढूंढ रहे हैं कहाँ है दुकान कहाँ है, तो एक बंदे से पूछे तो उन्होंने कहा कि इन्होंने शॉप खोल ली है खुद की, तो अभी हम लोग आए खाते हैं फिर यहाँ पर, हमें तो पता नहीं है, अनमो भी यही लेके आए उसको, ये लोग यही लोग खाए, तुम कुछ खाया? मैं भी खाया हूँ। क्या खाया? वो होता है ये खाया हूं। क्या है पता नहीं क्या तो वही भैया लाए खाने खिलाने के लिए, देखते हैं क्या चीज़ है तब खाते बताते हैं आपको। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, मतलब पहले हम लोग बाइक उधर रखी है, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर, मस्ती घर, हम लोग मतलब ये देखो गड्ढे में गिर रहे थे यार तो देख जाके चलना है, क्योंकि लाइट वाइट है नहीं भाई, लाइट यहाँ से लुधियाना में लाइट चली जाती है यार, इससे चलो हमारे यूपी है यार, इसी टाइम के लुधियाना, आई लव माई लुधियाना, लुधियाना इज माई सिटी, लुधियाना इज वंडरफुल सिटी, लुधियाना इज द वेरी ग्रीन सिटी, पता नहीं क्या क्या, और सर लाइट तो है नहीं सर, अंधेरे में चलना पड़ रहा है, देख रहे हो लाइट ही नहीं है यार, दिमाग खराब। दूसरी बात हमने मोटरसाइकिल वहाँ रख दी जिनकी थी, वहाँ दे आए, बाकी अभी हम लोग जा रहे घर, अनमोल भैया वो लोग पहुँच चुके हैं, बाकी जो बटाटा था काफ़ी टेस्टी था, मज़ा आ गया, पहली बार मैंने खाया शायद खाया गया या पहले खाया होगा बचपन में याद नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से जब होश आया अभी के हिसाब से हमने पहली बार खाया, काफ़ी टेस्टी था। बाकी चलते हैं यार, क्या जाना है भाई, ये हम लोग आ गए हैं, और भैया है लुधियाना इज़ द ग्रीन सिटी, लुधियाना इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, वंडरफुल सिटी, डेवलप्ड सिटी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा देख लो, लाइट वाइट है नहीं, बाकी हम लोग आ गए घर। तो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और रात के बज गए हैं 10, काफ़ी लेट हो गया, और सुबह हम लोग को निकलना भी है, सुबह हम लोग का प्लान बन रहा है कि शायद अमृतसर जाएं,
शायद घूमने टहलने एनमो भी आया तो थोड़ा घूमना है, तो अमृतसर सोच रहे थे कि जाना है दरबार साहब, तो जाना है और काफ़ी लेट भी हो गया, थकावट भी हो गई और खाना भी मुझे खाना, तो खाना तो आ गया मेरा, कढ़ी चावल बने हुए हैं, कढ़ी चावल खा के फिर सोते हैं जल्दी जल्दी, तभी सुबह उठ पाएंगे, ट्रेन से या बस से देखते हैं, अभी कंफर्म करते हैं किससे जाना है, कंफर्म करके कल हम लोग को निकलना है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर ब्लॉग एंड करते हैं, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आगे मैं और ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जब भी आप सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लेना, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।